सुंबल, पहले आइस का नशा, अब चर्स का नशा क्यों कर रही है? चर्स का नशा लगाया गया हमें। किसने लगाया? यार ने हमारे। सर्च करो, आई रिमेंबर टू आईडी कार्ड नंबर 3520240803। दिस इज माय आईडी कार्ड नंबर, एवरी पर्सन इज चेक इट बाय टू दिस टाइम। कर सकता है, सुन रहा है? इन्होंने मेरी फैमिली को बदनाम करने की कोशिश की। इन्होंने? मेरे अपने इश्क ने। पर मैं एक दिन यूं शराब के नशे में थी जैसे इस टाइम खड़ी हूँ। अभी भी शराब पी? अरे ये तो कुछ नहीं है। आई नो मैनी पीपल्स टू अनाउंस बाय टू द नेगेटिव पॉइंट्स विद माय हर बेबी के मैंने बेच दी है। नशा भी बेचती हूँ? हाँ, सम टाइम टू परचेजिंग बाय टू ड्रग्स विद आइज एक मैन। तकरीबन कितना लेके बेचती हूँ? अरे जितने होते हैं लेके बेच देते हैं। लेकिन ये छोड़ दो मेरी बहन, ये अरे अपने पैसे का करती या खिलाती हूँ। नाज़रीन, मैं हूँ आपके साथ आका मेज़बान नईम भट्टी और आप देख रहे हैं देखो टीवी। नाज़रीन, आज मेरे साथ फिर से सुंबल मौजूद है, जो कि पहले आइस का नशा करती थी और इस कदर करती थी कि इसको अपनी होश नहीं थी, लेकिन आज ये कुछ होश में है। लेकिन इसका कहना है कि इसने आइस को तो छोड़ दिया है, लेकिन अब ये चर्स वाले सिगरेट पीती है डेली के, ये 10 चर्स वाले सिगरेट पीती है। सारी कहानी अब इसकी ज़ुबानी जानते हैं कि अब ज़िंदगी कैसी गुजर रही है। बच्चे भी थे, वो भी जो है इसकी गोद में था और अल्लाह को प्यारा हो गया था, और शोहर भी इसका इसको छोड़ के चला गया हुआ है, और एक बच्ची भी थी। लेकिन इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुंबल कैसी हो? हाँ ठीक ठाक, आप सुनाओ। अल्लाह का शुक्र। सुंबल, पहले आइस का नशा, अब चर्स का नशा क्यों कर रही है? चर्स का नशा लगाया गया हमें। लगाया गया? हाँ। किसने लगाया? यार ने हमारे। यार ने लगाया? हाँ। शोहर तो तुम्हें छोड़ के चला गया था ना? अरे शोहर पहला होता है जिसे रिटर्न बाय द साइन ऑफ द पेपर ऑफ निकाहनामा मौलवी आता है। मुसलमानों क्या हो गया यार? अच्छा। उसे हम निकाह हक हलाल का कहते हैं, वो शोहर होता है। मेरा शोहर जो दो थे उनसे मेरी डिवोर्स हो चुकी है। लास्ट मेरा, अगर आप आईडी कार्ड भी सर्च करो, आई रिमेंबर टू आईडी कार्ड नंबर 3520240804 36, दिस इज माय आईडी कार्ड नंबर, एवरी पर्सन इज चेक इट बाय टू दिस टाइम। कर सकता है, सुन रहा है? देखो आखिरी निकाहनामा मेरा अमार अनवर के नाम के अलावा किसी बंदे का है। अच्छा मुझे ये बताओ सुंबल कि चर्स वाला सिगरेट, चर्स तो अच्छी चीज़ नहीं है, नशा बुरी चीज़ है ना, छोड़ दो इसको, क्यों नहीं? नशा कोई भी है वो बुरी। क्या चाहती, क्या हो, क्या करना चाहती हो जिंदगी? मैं इनको सरेआम करके इनको नीलाम करना चाहती हूँ। इनको नीलाम करना चाहती हो? ये गलत कर रही। जिन्होंने मुझे नीलाम करना चाहे तुम्हें नहीं पता? नहीं बताए, यही तो जानना चाह रही हूँ। हाँ आप जो पूछते रहोगे हम बताए। बताएं ना क्यों कर रही हो मेरी बहन, ये तो छोड़ दो इसको। इन्होंने मेरी फैमिली को बदनाम करने की कोशिश की। इन्होंने? मेरे अपने इश्क ने एक गलती कर ली तीसरे इश्क की। पर मैं एक दिन यूं शराब के नशे में थी जैसे इस टाइम खड़ी हूँ। अभी भी शराब पी? अरे ये तो कुछ नहीं है, वो तो नीड की बोतल पी के पार्क व्यू सोसाइटी है तुम्हारी ठोकर से आगे, वहाँ के गार्ड से जाके पूछो तुम क्या कहते हैं कि वहाँ से शराब की बोतल तोड़ी थी और घर गई थी और भाई भी था, बहन भी थी। बच्ची किधर? बच्ची किधर है? सीने में। बच्ची किधर है? बच्ची की शादी कर दी है। बच्ची की शादी कर दी है? लेकिन सुंबल ये चीज़ अच्छी नहीं है, बेचती भी हो नशा? आई नो मैनी पीपल्स टू अनाउंस बाय टू द नेगेटिव पॉइंट्स विद माय हर बेबी के मैंने बेच दी है, और अगर बेच भी दी है तो मैंने बेची है, मुझे पैसे की जरूरत थी, बेटी मेरी थी, कोक मेरी थी, एक सेकेंड कोक मेरी थी, छोड़ के क्यों चला गया पेट में ही डाल के? सुंबल मेरी तो सुन लो, मैं कह रहा हूँ नशा भी बेचती हूँ। हाँ, सम टाइम टू परचेजिंग बाय टू ड्रग्स विद आइस एक मिनट। ना, सम टाइम कभी जब बस अपने दिमाग के मुताबिक चलती हूँ। तकरीबन कितना लेके बेचती हूँ? अरे जितने होते हैं लेके बेच देते हैं। किनको? तो पुलिस वाले कुछ नहीं करते? ना, पुलिस वालों को हमने पहले दिन ही अपनी असलियत बता दी थी, जो मेरे घर वालों को भी नहीं पता थी। मैंने इसी पार्क में बता दी थी कि मैं ये हूँ, कैन यू परमिशन अलॉटेड बाय टू द रेजिडेंट विद द सम टाइम फॉर दिस। लेकिन ये छोड़ दो मेरी बहन, ये अरे अपने पैसे का करती या खिलाती हूँ, अपना पैसा खिलाया। लेकिन ये छोड़ दो, ये नशा अच्छी चीज़ नहीं है, ये खराब।
यहाँ सारे नशा करते हैं, मैंने किसी को कहा छोड़ दो, मेरे से मांगते हैं हम ऐसे ही दे देते हैं, हमने कभी किसी को कहा तुम छोड़ दो क्यों करते हो, अबे जो लगा है जा लगा रहे तो मेरी बात सुनो ना 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 अच्छा मेरी तो सुनो, माँ बहन बेटी छोड़ के बाहर की औरत पर नजर रखता है ना उसको मैं मर्द ही नहीं समझती मिस्टर, क्या हो गया आपको, माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं आप, एजुकेटेड है, ऑन ड्यूटी है, ऑन रिकॉर्ड है, आपका एक चैनल है, एक मेयार है, एक एंकर है, आपका नाम चल रहा है, अच्छे घर से बिलोंग करती हो, लेकिन ये क्यों अपनी जिंदगी खराब, मैं अच्छे घर से बिलोंग करती हूँ तो शायद उस अच्छे घर ने मुझे गलत टाइम पर गलत चीज पर और माँ बाप या बहन भाई तो नहीं यार के पीछे नहीं भेजा था, नहीं माँ बाप या बहन भाई तो नहीं, ना बच्चों की जिंदगी जो है ना वो खराब, जो माँ बाप तो रोकेंगे छोड़ेंगे वो यार तक अगर पहुंच जाए जाओ मेरे मुंह पे छित चलो 2500 छित्ता। अच्छा अभी 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 बेचती हूँ अभी नशा नहीं अभी काफी देर हो गई है, नहीं अभी अभी चर्च कितने सिगरेट पी होंगे चर्च वाला एक आधा। अच्छा हाँ तो ये हालात हैं जी नाजिन के, सुंबल जो है नशा करती है पहले एक सेकेंड आपको पता ही नहीं आपके पाकिस्तान के हालात किधर जा रहे हैं, आपके यंगस्टर यूथ वो आपका बर्बाद कर रही है, जिनको लिफ जेबे का नहीं पता, मुझे मौका दें मैं उनकी असलियत सामने लाऊंगी, मैं किसी के बाप से नहीं डरती। अल्लाह पाक मुल्क पाकिस्तान की खैर करे और इस बहन को जो है हदायत दे, ये अब नशे की लानत पे लगी हुई है, नशा करती है और अब बेचती भी है और चर्ट्स पीती है, यानी कि चर्ट्स वाले डेली के 10 सिगरेट पीती है, लेकिन ये लम्हा फिक्री है तो इसने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया, मुल्क के जो हालात हैं वो इस वक्त यंग जनरेशन के बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हुए हैं, क्योंकि नशा जो है वो घरों घरों में दस्तखत दे रहा है, घरों घरों में चला गया, तो इंतजामिया को चाहिए, पुलिस वालों को चाहिए नशे की रोकथाम के लिए इकदाम करें ताकि जो मुल्क कौम की कौम बेटियाँ जो नौजवान हैं वो बर्बाद ना हो सकें। तो नाज़रीन ये वीडियोज़ आपको दिखाना बहुत ही ज़रूरत है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जुड़ेगा कीजिएगा, अपने मेज़बान नईम भट्टी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए देखो टीवी।